नमस्कार दोस्तों, हमारा चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं और एक नया वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टोयोटा की अर्बन क्रूज़र के बारे में। टोयोटा अर्बन क्रूज़र विटारा ब्रेज़ा की रीबैज वर्शन है और हमने पहले भी बलेनो की रीबैज वर्शन टोयोटा ग्लैंजा देख चुके हैं। फ्रंट में आप देख सकते हैं हमको मिल रहा है ड्यूअल चैम्बर LED प्रोजेक्टेड हेडलैम्प्स विद क्रोम एक्सेंट्स। और सेंटर में आप देख सकते हैं टोयोटा की बैजिंग। और उसके साथ हमको मिल रहा है फ्रंट LED फॉग लैंप्स विद क्रोम एक्सेंट्स। और टोयोटा अर्बन क्रूज़र में हमको मिल रहा है ड्यूअल फंक्शन LED DRLs एंड टर्न इंडिकेटर्स इन हेडलैम्प्स। टोयोटा अर्बन क्रूज़र का मिड वेरिएंट का स्टार्टिंग प्राइस है ₹8.40 लाख एक शोरूम प्राइस, लेकिन मारुति सुजुकी विटारा ब्रेज़ा का LXA मॉडल का बेस प्राइस है ₹7.34 लाख एक शोरूम। टोयोटा अर्बन क्रूज़र में हमको मिल रहा है बॉडी कलर डो हैंडल्स। और ये है टोयोटा अर्बन क्रूज़र की सनी वाइट कलर, इसलिए हमको मिल रहा है वाइट कलर की डो हैंडल्स। और आप यहाँ देख सकते हैं हमको मिल रहा है ड्राइवर साइड में विंडोज़ कंट्रोल करने के लिए ऑप्शंस। और उसके साथ हमको मिल रहा है वाटर बॉटल होल्डर। और ये है सीट एडजस्ट करने के लिए ऑप्शंस। और आप यहाँ देख सकते हैं हमको टोयोटा अर्बन क्रूज़र में मिल रहा है स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स। और इसी के साथ ही हमको म्यूज़िक सिस्टम कंट्रोल कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं वॉल्यूम अप और डाउन करने के लिए ऑप्शंस है। और उसके साथ हमको टोयोटा अर्बन क्रूज़र में मिल रहा है क्रूज़ कंट्रोल ऑप्शंस। आप यहाँ देख सकते हैं क्रूज़ कंट्रोल की बटन। और टोयोटा अर्बन क्रूज़र में हमको मिल रहा है हाफ डिजिटल और हाफ एनालॉग इंस्ट्रूमेंटेशन क्लस्टर, जो आप यहाँ देख सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं स्पीडोमीटर हमको मिल रहा है एनालॉग, लेकिन माइलेज कैलकुलेशन, ओडोमीटर वो सब डिजिटल मिल रहा है टोयोटा अर्बन क्रूज़र में। और अभी आप देख सकते हैं टोयोटा अर्बन क्रूज़र की सेंटर कंसोल एरिया। और सेंटर कंसोल एरिया में आप देख सकते हैं हमको मिल रहा है हजार्ड बटन और उसके साथ दोनों AC वेंट्स। और आप यहाँ देख सकते हैं हमको मिल रहा है 17.78 सेंटीमीटर स्मार्ट प्ले टच स्क्रीन ऑडियो सिस्टम, जो एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले और इनबिल्ट नेविगेशन सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं हमको मिल रहा है AC कंट्रोल करने के लिए ऑप्शंस। और टोयोटा अर्बन क्रूज़र में हमको मिल रहा है ऑटोमेटिक AC ऑप्शंस। आप यहाँ देख सकते हैं ऑटो बटन अवेलेबल है। और उसके साथ हमको मिल रहा है USB और AUX चार्जिंग सॉकेट और 12 वोल्ट पावर चार्जिंग सॉकेट भी हमें यहाँ मिल रहा है। और ये है टोयोटा अर्बन क्रूज़र की 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स। और उसके साथ हमको मिल रहा है 2 कप होल्डर्स। और अभी आप देख सकते हैं ड्राइवर साइड की सन वाइजर, जिसमें नॉर्मली मिरर नहीं होता है। और सनग्लासेस रखने के लिए सनग्लास होल्डर, जो बिल्कुल ऑटोमेटिक है, आपको सिर्फ ये बटन प्रेस करना है। और उसके साथ हमको मिल रहा है फ्रंट में 2 हैलोजन लाइट्स। और ये है पैसेंजर साइड की सन वाइजर, जिसमें नॉर्मली मिरर होता है। सभी व्हीकल में पैसेंजर साइड की सन वाइजर में मिरर अवेलेबल है। अभी हम देखने वाले हैं टोयोटा अर्बन क्रूज़र की ग्लोव बॉक्स। लेकिन आपको पता है कि रिसेंटली लॉन्च हुंडई i20, टाटा अल्ट्रॉस और टाटा नेक्सॉन जैसे कार में ही हमको मिल रहा है कूल ग्लोव बॉक्स, लेकिन यहाँ अर्बन क्रूज़र में हमको कूल ग्लोव बॉक्स अवेलेबल नहीं है। और हमको मिल रहा है सिर्फ एक छोटा सा नॉर्मल ग्लोव बॉक्स। और यहाँ हमको ऊपर में भी जगह है
डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए टोयोटा अर्बन क्रूजर में, जो एक अच्छी फीचर है। और उसके साथ आप यहाँ देख सकते हैं, हमको मिल रहा है ड्यूअल टोन इंटीरियर्स इन द न्यू टोयोटा अर्बन क्रूजर। और यहाँ हमको मिल रहा है हैलोजन लाइट्स। और अभी हम देखने वाले हैं टोयोटा अर्बन क्रूजर की रेस पेस के बारे में। आप यहाँ एंटर होते ही देख सकते हैं, हमको मिल रहा है वाटर बॉटल होल्डर्स। और मेरा हाइट है 5 फीट 10 इंचेस। और आप यहाँ देख सकते हैं, हमको मिल रहा है बहुत लेग रूम टोयोटा अर्बन क्रूजर में, और कंफर्टेबल भी है रेस पेस में। और ये है क्रोम कलर डोर हैंडल्स इंटीरियर से। और आप यहाँ देख सकते हैं फ्रंट की डैशबोर्ड टोयोटा की अर्बन क्रूजर में। और ये है रियर पॉकेट्स सीट्स में। और उसके साथ हमको मिल रहा है टोयोटा की अर्बन क्रूजर में रियर आर्मरेस्ट विद 2 कप होल्डर्स। अभी हम इसको पूरा नहीं निकाल सकते, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं सेंटर एरिया में हमको मिल रहा है रियर आर्मरेस्ट, और उसके साथ हमको मिल रहा है उसमें कप होल्डर्स। और एक्सटीरियर में आप देख सकते हैं, हमको मिल रहा है अपोलो टायर्स, और उसके साथ हमको मिल रहा है 16 इंच डायमंड कट अलॉयज। और टोयोटा अर्बन क्रूजर के मिरर्स में आप देख सकते हैं, हमको मिल रहा है ORBM टर्न इंडिकेटर्स एंड LED DRLs। और जैसे हमने पहले ही बताया था, टोयोटा अर्बन क्रूजर में हमको मिल रहा है बॉडी कलर डोर हैंडल्स, और ये है वाइट कलर डोर हैंडल्स जो टोयोटा अर्बन क्रूजर में दिया हुआ है। और रेयर में आप देख सकते हैं, हमको मिल रहा है स्प्लिट LED रेयर कॉम्बिनेशन लैंप्स, और उसके साथ हमको मिल रहा है रूफ माउंटेड शॉर्ट पोल एंटेना। और उसके साथ यहाँ पर यहाँ देख सकते हैं, हमको मिल रहा है 4 सेंसर्स रेयर में, और उसके साथ टोयोटा की बैजिंग और अर्बन क्रूजर की बैजिंग भी आप देख सकते हैं। और अभी हम चेक करने वाले हैं टोयोटा अर्बन क्रूजर की बूट स्पेस। So according to Toyota, the boot space of the Toyota Urban Cruiser is around 328 liters. और उसके साथ हमको मिल रहा है यहाँ एक्स्ट्रा टायर। यह है Toyota Urban Cruiser की एक्स्ट्रा टायर्स। आप देख सकते हैं, हमको टूल्स भी मिल रहा है उसके साथ, और यहाँ थोड़ा स्पेस भी अवेलेबल है रेयर में। लेकिन ओवरऑल Toyota Urban Cruiser की बूट स्पेस है 328 liters. और टोयोटा अर्बन क्रूजर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 48 लीटर्स। और टोयोटा ने क्लेम किया है कि टोयोटा अर्बन क्रूजर की माइलेज है 17.03 किलोमीटर। और टोयोटा अर्बन क्रूजर की स्टैंडर्ड वारंटी है 3 ईयर्स और 1 लाख किलोमीटर्स, और एक्सटेंडेड वारंटी है 5 ईयर्स और 2 लाख 20,000 किलोमीटर्स। लेकिन मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा का स्टैंडर्ड वारंटी है सिर्फ 2 ईयर्स और 40,000 किलोमीटर्स, और 5 ईयर्स और 1 लाख किलोमीटर्स। और टोयोटा अर्बन क्रूजर का ओवरऑल लेंथ है 3,995 मिलीमीटर, और विड्थ है 1,790 मिलीमीटर, और हाइट है 1,640 मिलीमीटर, एंड व्हील बेस ऑफ 2,500 मिलीमीटर। और टोयोटा अर्बन क्रूजर का मैक्सिमम पावर है 104 PS एट 6,000 RPM, और उसके साथ टोयोटा अर्बन क्रूजर का मैक्सिमम टॉर्क है 138 Nm एट 4,000 RPM।